हाय गाइस, तो चलो आज बनाते हैं सिर्फ 5 मिनट में मटन। तो हम 5 मिनट में बनाएंगे, तो ऑब्वियसली हम कुकर का यूज करेंगे, तो हांडी में तो बनने जरा 5 मिनट। तो देखो आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पे कुकर को चढ़ा दिया गैस के ऊपर, अच्छे से गर्म करने के बाद ना डाल दिया इसमें खूब सारा ऑयल, और यहाँ पे रफली चॉप किए हुए प्याज डाले मैंने, और यहाँ पे 2 तेज पत्ते डाल दिए, और हरी मिर्चे भी डाल दिए मैंने। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालना, आपकी मर्जी है, मैंने तो डाल दिए। और उसके बाद ना इसको थोड़ा सा सॉटे कर दिया, जब कलर चेंज होता है ना इसका थोड़ा सा, उसके बाद डालना है मटन। मैंने यहाँ पे धो धा करके रख दिया था, ये हाफ किलो लगभग हाफ किलो था मटन, मैंने अच्छे से धो करके डाल दिया इसमें। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दो नमक, आपको जितना भी डालना है। इसके बाद ना थोड़ा सा इसको चला दो चम्मच से, और इसके बाद डाल दो सारे मसाले जो भी आपको डालने हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद आते हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी, एक एक करके ना सारे मसाले डाल देने हैं, जितना आप डालोगे उतना टेस्ट होगा इसमें। तो इसमें मैंने डाल दी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मीट मसाला पाउडर, और ना यहाँ पे मिर्ची मुझे कम लग रही थी तो मैंने और डाल दिया। अगर आप मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते हो ना तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना, ले तो बस समझ जाओ। इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है, मुझे अच्छा लगता है रेड रेड मटन दिखने में। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। इसके बाद ना इसको अच्छे से भूनने के बाद पानी डाल करके 5-6 सीटी आने तक इसको कुक करना है, इसके बाद डिलीशियस मटन को एंजॉय करो।